Welcome back to the channel, folks. If you are an engineering student or not, but want to learn about civil engineering plant, this video is important for you. There are many paint software available in the market to draw sketches and construction related parts, but we have to some basic knowledge about it before we use the paid version. So today I bring the free version of this same, and the name of the version is SketchUp. यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एरो मार्क से आप इसे अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर एक हाथ दिया हुआ है, इसे आप ये देखिए मूव कर सकते हैं, और ये निशान जो है इससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के अंदर, ओके। और ये टूल्स को आप हम बारी बारी करके इसका एक एक करके इसका इस्तेमाल देखेंगे, और कैसे इसके अंदर हम ड्राइंग कर सकते हैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ड्राइंग। ये वर्जन 30 दिन के लिए फ्री का है, 30 दिन के लिए मुझे फ्री में मिला हुआ है, उसके बाद इसको पेड वर्जन में कन्वर्ट करना होगा। आप 30 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह सीख पाएंगे इसको, मैंने एक ही दिन में सीख लिया है, तो आप 30 दिन में तो सीख ही जाओगे। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल है, वो पेंसिल का यूज़ तो आपको पता ही है, किसी भी पेंट सॉफ्टवेयर हो या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पेंसिल का इस्तेमाल लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए होता है। और इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो आप आर्क वगैरह बनाने के लिए होता है। ये देखिए आर्क वगैरह आप ऐसे बना सकते हो, ये देखिए ये आर्क बन रहा है, इस तरीके से आप इसमें आर्क बना सकते हो। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद ये है स्क्वायर बनाने के लिए, या काफ़ी ऑप्शन है इसके अंदर, रेक्टेंगल बनाना है आपको, रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद सर्कल बनाना है, पॉलीगन बनाना है, ये सारे इसके यूज़ के लिए है। तो फिलहाल हम रेक्टेंगल से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं, आप अपने माउस का जो बीच वाला हिस्सा है जो रोटेट होता है उससे आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद इस हाथ से आप इसको मूव कर सकते हो। अभी मैंने इसको सेंटर में लिया, अभी मुझे इस जगह पर एक मकान बनाना है, एक हाउस बनाना है, तो एक हाउस का कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बेसिक कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं फ्लोर बनाऊँगा इसका, तो मैं ये शेप्स वाला टूल लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ मैंने क्लिक किया, और देखिए मैं यहाँ पर इतना छोटा बनाना चाहूँगा, इनफ, इतना बहुत है मेरे लिए। उसके बाद सेम वही टूल से मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे यहाँ पर सीढ़ी बनानी है एक, तो सीढ़ी के लिए मैं कुछ जगह यहाँ पर घेरूँगा, चलो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ उसको, ओके मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में अभी मुझे दीवार यहाँ पर बनानी है, तो मैं दीवार के लिए सबसे पहले मुझे अंदर का जो इंटीरियर है मुझे उसका सही करना है, कहाँ कहाँ दीवार बीच में बनानी है वो मुझे यहाँ पर डिसाइड करना है। तो सबसे पहले किचन मेरा कहाँ पर होगा, क्या होगा, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पर क्लिक करके एक रूम में यहाँ ले जाता हूँ, इसको बड़ा रूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है ये हो गया एक मेरा एक तैयार। अभी मैंने फ्लोरिंग कर दिया यहाँ पर, अभी मुझे दीवारें बनानी है इसकी, तो सेम वही है दीवारें बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ऊपर उठा दिया उसको, तो एक दीवार मेरी यहाँ पर बन गई, ओके। अभी मुझे यहाँ से एक दीवार और लेनी है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर करूँगा क्लिक, ये देखिए दो दीवार तो मैंने यहाँ पर बना ली, आगे की दीवार भी मुझे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, तीन दीवारें बन गई। तो इसको भी मैं किस लिए छोड़ूँ, इसको मैं बना ही देता हूँ, हो गई चार दीवारें। यहाँ पर सीढ़ी के लिए मुझे कुछ यहाँ पर नया करना होगा, हल्का सा छज्जा बाहर निकालना पड़ेगा मेरे को, ये ले छज्जा निकाल दिया मैंने बाहर। अभी एक बॉक्स तैयार हो गया, मुझे खिड़कियाँ बनानी हैं, दरवाजे बनाने हैं, इसमें काफ़ी सारा चीज़ बनानी है, तो शुरू करते हैं।
थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑर्बिट का ऑप्शन। इस ऑर्बिट से आप इसको किसी भी डिग्री में आप घुमा सकते हो। ये देखिए मैंने उसे यहाँ पर घुमा के ले आया हूँ। ओके अभी मुझे ये पोर्शन नज़र आया तो मैं यहाँ पर सीढ़ी की अपना कंस्ट्रक्शन थोड़ा करूँगा, तो मैं सीढ़ी के लिए फिर वापस उसे स्क्वायर को ले चलता हूँ। आज मैं आपको सिर्फ स्क्वायर से ही घर बनाना दिखा रहा हूँ। अगला ट्यूटोरियल जो मेरा होगा ये देखिए, उसमें मैं आपको बाकी सारे चीज़ें इसमें ऐड करके मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से, जैसे अभी फ़िलहाल आज के ज़माने में बनते हैं, वैसे बनाना सिखाऊंगा आपको। मैं थोड़ा बैक करता हूँ। ओके ये आपको दो जगह क्लिक करना होगा, उसके बाद से वो शेप में ले लेगा। ले लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हम ताकि हमारे को क्लिक करने में आसानी हो जाए। ये यहाँ पर, उसके बाद अभी नीचे दूसरी सीढ़ी, फिर सीढ़ी नंबर थर्ड। ऐसे आप स्टेयर्स वगैरह अपने बना सकते हो। और ये देखिए मतलब काफ़ी आसान है। आपको बाद में इसका मेजरमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि इंजीनियरिंग के अंदर तो सब कुछ मेजरमेंट से ही होता है। अगर कोई चीज़, अगर आपको छोटी सी चीज़ बनानी है तो आपको सबसे पहले उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, और डायमेंशन के हिसाब से आप काम करोगे। जो थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ, घुमा देता हूँ। चलिए अभी मैं आपको पहले दिखा दूँ डायमेंशन कैसे इसके नापते हैं। देखिए यहाँ पर एक टैप मेजरमेंट का टूल दिया हुआ है, इसको आप लीजिए। सपोज मुझे यहाँ से नापना है, ये इतना ही यहाँ पर होना चाहिए, वो तो हमारे को सबको पता है। ये तो फिलहाल एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ तो ये नाप कोई होगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको देखियो, 2 2 फीट और 11 इंच यहाँ पर हो रहा है ना, 2.11। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नाप सकते हो। कि मैं वापस टूल ले लेता हूँ जो हमारे को चाहिए वो। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, देखो तो सीढ़ी बनाना कितना आसान है। इस सेकंड के अंदर सीढ़ी बन जाती है, और वही चीज़ अगर ग्राउंड में आपको बनानी हो तो बहुत ही टाइम लग जाएगा आपको। चलो थोड़ा घुमा लेते हैं इसको। यही तो चीज़ है ना कि ड्राइंग और ग्राउंड के ऊपर दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी आज का जमाना इतना, पहले इस काम को करने के लिए बहुत ही टाइम लगता था, और A4 A3 A5 A6 नंबर की सीटें आती थी, पेपर की सीटें जो हार्ड सीटें होती थी थोड़ी, तो उसका यूज़ करके बनाया जाता था। और उसके लिए मेजरमेंट टूल्स काफ़ी, ड्राफ्टर्स, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई तो अभी भी उसी की होती है, लेकिन आजकल ये भी सब्जेक्ट ऐड हो गया है, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको बोलते हैं कैड और कैम। तो ये इसका बेसिक चीज़ है, ये वो एडवांस चीज़ है कैड कैम, और ये इसकी बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ पता होना ज़रूरी होती है। जब बेसिक आपको पता लग जाएगा तो एडवांस चीज़ों में आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये अगर फ्री वर्जन आपको मिल रहा है एक 30 दिन का, तो आप इसको इस्तेमाल करके, ये देखिए सीढ़ी होगी तैयार। ओके अभी हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए सीढ़ी हो गई तैयार। अभी मैं इसके अंदर कुछ कलाकारी के लिए और करूँगा, मुझे इसके छज्जे बाहर निकालने हैं, तो मैं छज्जे बाहर निकाल दूँगा इसके। चलो यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ निकाल दिया। चल अभी तू बाहर चल, आ जा बाहर, हो गया, तुम भी आ जाओ बाहर। ये लीजिए आप, थोड़ी बाहर आ जाओ, हो गए। उसके बाद यहाँ से फिर लास्ट कॉर्नर से थोड़ा आगे बाहर ज़्यादा निकाल लेते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ, दरवाजा यहाँ बना देते हैं तो भी अच्छा रहेगा। नहीं छोड़ो, दरवाजे को उधर उधर रहने दो, क्योंकि हम तो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, हमने कोई इसको ग्राउंड में थोड़ी उतारना है अभी। चलो ये भी हो गया, इसको भी थोड़ा बाहर निकालना जरूरी हो गया। ओके ये देखिए अभी यहाँ से
ज़्यादा है कि यहाँ पर, तो यहाँ से लेते हैं एक पहले सबसे पहले यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका नाप लेके, तो हमने स्क्वायर बना दिया। अभी जाके छज्जा बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सा, देखिए हो गया, तो इसको हमारे को लगता है थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया है, देख लेते एक बार बैठ करके इसको। हाँ ये बाहर आया, इसको मिटा देना पड़ेगा। चलो भाई तुम मिट जाओ, मिट गया, ये लाइन को मिटा मिटाते हैं। चलो ये तो काम आ जाएगी, कोई काम नहीं है। तो अभी फिर हम लेते हैं आगे की तरफ बनाते हैं इसका दरवाजा, बिल्कुल नाप के बना चाहिए एक्चुअली में, तो खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2, जॉइंट खिड़की है ये। ओके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर खिड़की बना देते हैं, इसको घुमा के बना देते हैं। ओके इसकी सारी खिड़कियाँ तैयार हो गई। अभी इसके हम ऊपर थोड़ा कोई बच्चा ना गिर जाए इसलिए थोड़ा उसके दीवार ऊपर और बना देते हैं, तो एल इसका भी बंदोबस्त हम कर लेते हैं, इतना बहुत है। और यहाँ से भी आगे लेते हैं हम, चलिए हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा बड़ा करने से थोड़ा क्या आसानी हो जाती है आपको पकड़ने में, ये देखिए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक भी करना चाहिए, ज़रूरी है। ओके फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा लेना पड़ेगा। ओके छोटा कर दे थोड़ा, हम थोड़ा हाथ से आगे लेते हैं और फिर वापस उस स्क्वायर टूल्स को लेते हैं। ये हो गया, आगे का पोर्शन ही बढ़ा देते हैं, एक वन क्लिक टू क्लिक। और ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर आया, ये लेकिन वापस एरर नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हम अगर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं तो एरर यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कोई एरर की, बिल्कुल आपको सही काम करना होगा। ओके तो ये पोर्शन में थोड़ी सी गलती हुई है, तो हमारे को एक तरफ से बना के आना चाहिए तब तक हमारी गलती नहीं होती है, तो थोड़ा बैक चले जाते हैं हम। हाँ यहाँ से बनाते हुए जाएंगे हम, क्योंकि आप एक तरफ से काम करोगे तो आपका एरर नहीं आएगी बिल्कुल, नहीं तो आपको एरर ज़रूर आएगी। ये देखिए अभी मुझे पीछे वाला हिस्सा बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा लूँगा, रोटेट कर लूँगा। चलो ये देखिए हमने किसी भी एंगल में आप रोटेट कर सकते हो, आपको किस डायरेक्शन में देखना है आप देख लीजिए। ले लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ का भी आपका टूल्स बन गया। ओके तो अभी हमारा ये वाला पोर्शन पूरा बन गया है, तो अभी हम इसको पूरा घुमा लेते हैं, अभी आगे आगे ले चलते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अभी और भी कमी पेशी है कुछ इसमें, वो भी पूरी कर देते हैं हम, थोड़ा आगे भी थोड़ा फ्लोरिंग कर देते हैं कि बच्चे आगे खेलने के लिए आएंगे तो थोड़ा सांप बिच्छू वगैरह ना आ जाए, फ्लोरिंग कर दे थोड़ा। चलो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यहाँ तक हो गया। अभी जाए जाए यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दीवार चाहिए, तो ये भी बना देते हैं हम। एक तरह से शुरू करेंगे हम इसको बनाना, ये देखिए यहाँ से भी हम यहाँ रख लेंगे, उसके बाद से फिर यहाँ से। चलो ओके ले लिया, ओ नो बैक जाना पड़ेगा।
हूँ इसको मैं, जी देखिए थोड़ा घुमा लिया, अभी मैं इसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ क्योंकि बरांडा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बनाना। ये देखिए अभी यहाँ पर भी कुछ चाहिए, नहीं तो ये भी कुछ गिरने लायक हो जाएगा। नहीं तो चलो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तो नहीं बनेगा, ये ऐसे बनाना पड़ेगा ये, ठीक है यहाँ से बनाएंगे सीधा इसको बनाएंगे हम। इसके लिए हम लाइन लेते हैं, लाइन यहाँ से लेकर सीधी लाइन खींचते हैं हम यहाँ तक, ओके ख्याल से इसको यहाँ तक खींचनी चाहिए लाइन, ओके यहाँ से खींचेंगे हम नीचे तक सीधी लाइन, थोड़ा बड़ा करते हैं ओके। अभी देखिए कुछ मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ, हर तरीके से घुमा के लाइन में कमी है तो इसको हमारे को पैक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और आपको फीचर ऐड करने होंगे यहाँ पर, क्योंकि तो बच्चे गिरने नहीं चाहिए, हम इसको भर देंगे इस तरीके से यहाँ पर भी, अभी ये मकान तैयार हो गया। अभी हम इसमें कलर भरेंगे, कलर के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्लिक, और यहाँ पर जो मर्जी चाहे आप कलर यहाँ भर सकते हैं। मैं इसके छज्जे वगैरह में ये कलर भर देता हूँ, चलो इसको भी कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, ठीक है नीचे वाला को भी सेम कर देता हूँ, थोड़ा पीछे भी चलते हैं जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं वहाँ पर कर सकते हैं इसको। देखिए कलर देखिए बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, हालांकि मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा पढ़ देते हैं और पीछे, ये देखिए फ्रंट में आते हैं, फ्रंट में भी कुछ सही है ओके। अभी अंदर भी बनना चाहिए, लीजिए अंदर भी हमने भर दिया है ना, थोड़ा सा इसको और घुमा लेते हैं, बस आपकी थोड़ी माउस के ऊपर आपका काबू होना चाहिए, माउस आपका सही चल रहा है आप उसे सही तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आपने कलर और अब यहाँ पर भी बचा हुआ थोड़ा सा, वापस अपने उसी मोड़ पर आ जाते हैं। अभी दीवार को मेरे ख्याल से ये कर देते हैं, अच्छा लगेगा ये देखिए दीवार तो कुछ सही हो गई है ना, इसको भी यही कलर होना चाहिए ओके। बाद पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर सेम वही दीवार, तो इस तरीके से आप कलर सारे भर दिए हमने। और देखिए अभी इसका पूरा व्यू देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक आप कैसे भी घुमा के इसको देख सकते हैं और मेज़रमेंट भी आप कर सकते हैं। आपने एक बार इसमें मेज़रमेंट अपना फिट कर दिया, कलर फिट कर दिया, सब कुछ फिट कर दिया, आपका एक इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसके प्रिंट निकाल के भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही अच्छा एक वर्जन है, अभी 30 दिन के लिए फ्री है, तो इसके बाद भी आप इसको पेड वर्जन में कवर करके आप अच्छी तरह से इसका ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्जन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।